प्यारे भक्तों, हम जा रहे भागवत के दूसरे सोपान की ओर, द्वितीय स्कंध की ओर। आत्मनिष्ठ योगी शुक जी, सुखदेव जी पधार चुके हैं। साधु ज्ञानी विज्ञानी जो जितने भी संत वहां थे, योगी, सब प्रसन्न है। परीक्षित को तो मानो भाई वचन मिल गया, मोक्ष में प्रवेश, मतलब मरना मिटना जीना पैदा होना ये सब खत्म 7 दिन। सबसे ज्यादा प्रसन्न परीक्षित जी है। आत्मनिष्ठ योगी सुख जी, अति शांत स्वभाव। सुखदेव जी का अति शांत स्वभाव है, बहुत बड़ी बात है ये। प्रश्न का अति आदर किया, परीक्षित के प्रश्न का अति आदर करते सुखदेव जी। संत का यही स्वभाव होता है। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, हे रूप प्रश्न लोकितकार, हे रूप प्रश्न लोकहितकार, भागवत ज्ञान नित मुक्तिकारी, भागवत ज्ञान नित मुक्तिकारी, स्वरूप बोध का उत्तम साधन, ज्ञान पुरुष करे आत्माराधन। रूप प्रश्न लोकहितकारी। हे राजन, आपका प्रश्न तो अत्यंत उत्तम है, क्योंकि केवल उसमें आपके कल्याण की बात नहीं, पूरा समाज जब तक ये वाणी रहेगी वो मार्गदर्शन करेगी मनुष्यता का। और मनुष्य जो मोक्ष की आकांक्षा वाला है, वो ये भक्तिभाव पूर्ण भागवत को सुनकर ही मुक्त हो जाएगा। भागवत ज्ञान निज नित्य मुक्तिकारी, स्वरूप बोध का उत्तम साधन। स्वरूप के बोध, स्वस्वरूप, बाहर से जो हम दिखते हैं कि ऐसे बाल है, ऐसे कपड़े हैं, ऐसा मेकअप है, ये है वो है, ऐसी पगड़ी है, कुछ नहीं तो मैंने ऐसे साधु महात्मा देखे, कुछ नहीं तो बार बार मुंडन जो होता है उसको आईने में देखते हैं कि बराबर तो है ना सब, बाहरी स्वरूप है। तो दोस्तों, स्वस्वरूप बोध का उत्तम साधन, स्वरूप बोध का, अपने स्वरूप यानी बाहरी नहीं, आंतरिक जो रूप है उसका बोध जो मनुष्य को हो जाए ना, तो बाहर के शरीर की आकांक्षा अपने आप छूटने लगती है। तो ये भागवत उत्तम साधन है स्वबोध के लिए, स्वस्वरूप के बोध के लिए। लेकिन संसारी गृह काज में उलझे, संसारी लोग गृह के कार्य घर के काम में उलझते रहते हैं, और सुजन सदा सत्संग से सुलझे। और सज्जन होता है ये हमेशा सत्संग से अपने जीवन को सुलझाता है, संसार की उलझनों में नहीं पड़ता है। दिन में धन अरुरैन में निद्रा, मूड जीवन बीते जनु तंद्रा। दिन में कहते हैं कि दिन में धन, पूरा दिन आदमी का धन कमाने में चला जाता है, रात निद्रा में चली जाती है। मूड जीवन बीते जनु तंद्रा, और मूड का जीवन तंद्रा में बीतता है। तंद्रा किसे कहते हैं, जो नींद भी नहीं और जागना भी नहीं, ऐसी तरह से आदमी तंद्रा में जीता है, जागा हुआ भी नहीं और सोया हुआ भी नहीं है, उस अवस्था में है। दिन में धन कमाने में पागल है और रात में नींद में ज्यादा से ज्यादा 2-4 बच्चा पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, ये कोई जीवन की सफलता नहीं है। जीवन साफल्य तो इसमें है कि स्वस्वरूप का जिसको बोध हो गया, सही जीवन का जिन्हें बोध हो गया, मृत्यु का भय मिट गया, और उसके संपर्क में जो आए वो उलझा हुआ है तो सुलझने लगा, वह है जीवन की सार्थकता। आगे बढ़ रहे हैं। हे नृप तनु धन धाम सुत दारा, सुख भासे बहु दुख दे अपार। हे राजन सुनिए, तनु यानी शरीर, धन, धाम, स्त्री, पुत्र, ये सब लगता है कि सुख देने वाला है, लेकिन वास्तव में अपार दुख के सिवाय मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता जो उनमें ही उलझा रहता है। तो केवल कृष्ण लीला जग मान हूँ।
हे राजन, इस जगत को तो केवल भगवान की लीला मात्र समझिए, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है, माया से लिप्त नहीं होना है। प्रभु को परम प्रीतम जी मानो, परमात्मा को परम प्रीतम मान लो और जगत को कृष्ण की लीला मात्र समझो, केवल लीला, हाँ केवल लीला और कुछ नहीं। तेजन मृत्यु तेजन मृत्यु क्षण में साक्षी, लक्ष्य धरे निर्गुण अलक्षी। इस जगत को जो भगवान की लीला मानता है और भगवान में रत रहता है, लीला के साथ नहीं बह जाता है, रहता है पर अनुरक्त रहता है परमात्मा के स्वरूप में, वो क्षण में मृत्यु क्षण में साक्षी बन सकता है। मृत्यु जब आती है तब वो साक्षी रह पाता है, देह छोड़ने के लिए उसकी पूर्ण तैयारी होती है, उसके जीवन का कोई मोह नहीं, मृत्यु का कोई डर नहीं। लक्ष्य धरे निर्गुण अलक्षी, और उसका लक्ष्य तो अलक्षी और जो निर्गुण है उसमें लीन रहता है। हरि गुण गान प्रथम है चरणा, हे राजन भगवान का गुणगान ये प्रथम चरण है उस अवस्था तक पहुंचने का। हरि गुण गान प्रथम है चरणा, कीर्तन श्रवण शुद्ध आचरणा, और बाद में हरि का कीर्तन, हरि का श्रवण और शुद्ध आचरण। यद्यपि मम निष्ठा निर्गुण, हे राजन मेरी निष्ठा तो निर्गुण में है, मैं तो योगी हूँ, फिर भी तद्यपि मैं वर्णव कथा सगुणा, फिर भी मैं सगुण की कथा कहूँगा। देखो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, लेकिन राजन आपकी आपका जो स्थान है, आपका जो स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे पता है कि आपको सगुण की कथा ही चित्त को शांत कर सकती है, इसलिए मैं सगुण की कथा कहूँगा। खुद का निर्गुण में मन हो फिर भी भक्तों के लिए सगुण की उपासना करे, सगुण की आराधना करे और सगुण का वर्णन करे, यही तो सही करुणावान पुरुष है, यही करुणा है, सबसे बड़ी करुणा। बाकी लोग कह देते कि नहीं हम निर्गुण में मानते। आगे कहते हैं सुखदेव जी, क्षणिक जीवन सत्संग से सार्थक, मूढ़ की दीर्घ आयु निरर्थक। क्षणिक जीवन सत्संग से सार्थक, भले क्षणिक जीवन हो, क्षणिक लंबा ना हो थोड़ा हो, लेकिन सत्संग कर ले आप क्षणिक भी तो वो सार्थक हो गया, और मूढ़ की 100 वर्ष की आयु जिए मूढ़ तो भी निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा था एक बार कि सब कुछ मिलता है, तात मिले कुनी मात मिले सुत भ्रात मिले जुजुति सुखदायी निराज मिले गजबाज मिले सजसाज मिले मनवांचित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले सुर लोक मिले वैकुंठ में जाए, सुंदर सबई मिले बरु जग में संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ मिलता है लेकिन संत समागम दुर्लभ है, तो सावधान तुम्हारी श्रद्धा रूप सगुण में, राजन आपकी सगुण में श्रद्धा है इसलिए मैं सगुण का वर्णन करूंगा। एक मुहूर्त सत्संग में बिताया, हे राजन ध्यान से सुनिए। अतीत में रघुवंश में खटवांग नाम का एक राजा हो गया। खटवांग ने देवताओं की मदद की थी असुरों के सामने युद्ध करने के लिए, सब देव प्रसन्न हो गए और कहा हे राजन, जब देवताओं की विजय हुई खटवांग की वजह से तब सब प्रसन्न हो गए और कहा कि हे राजन आप जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, हम लोग देने के लिए तैयार है, जो चाहे इंद्र ने कहा जो चाहे हम आपको दे, आप बताइए आपको क्या चाहिए। लेकिन खटवांग परम भक्त था भगवान का, होश भी था। खटवांग ने पूछा कि बात तो ठीक है कि मैं जो चाहूँ वो आप मुझे देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले ये तो बताओ कि मेरा जीवन कितना बाकी है, क्योंकि भुगतना तो जीवन से है, जीवन ही नहीं तो भोग को मांगकर और कुछ मांगकर मैं करूँ क्या, पहले आप बताओ। तो देखा विधाता ने कहा डेढ़ मुहूर्त केवल बाकी है, कोई एक मुहूर्त भी कहता है तो डेढ़ घंटे का एक मुहूर्त हुआ, डेढ़ घंटे का एक मुहूर्त सत्संग में बिताया, एक मुहूर्त सत्संग में बिताया, नृप
खटवांग मोक्ष को पाया। नृप खटवांग मोक्ष को पाया। देवताओं ने कहा, विधाता ने कहा कि एक मुहूर्त मतलब डेढ़ घंटा तेरा आयुष्य है। तो खटवांग ने कहा तो डेढ़ घंटे में आप मुझे राजपाट दो और सुख दो, सुंदरियां दो, धन धन धान्य दो, कुछ भी दो, लेकिन डेढ़ घंटे में हो सकता क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और खटवांग को डेढ़ घंटे में मोक्ष प्राप्त हुआ, एक मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त हुआ। तो हे राजन, आपके पास तो 7 दिन है, निराश मत होइए। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो श्रोता को निर्भय कर दे, निसंशय कर दे, उसका अध्यात्म की ओर विशेष झुकाव हो और दुनियादार से उसकी आसक्ति सहजता से हट जाए, ऐसी वाणी होनी चाहिए वक्ता की। एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त सत्संग में बिताया, नृप खटवांग मोक्ष को पाया। राजर्षि सुनो, आपका जीवन 7 दिन है, श्रेष्ठ साधन आपके पास तो है राजर्षि, 7 दिन है। शस्त्र बने सत्संग जो तीक्ष्ण, सत्संग जो तीक्ष्ण शस्त्र बने, किसके लिए? संसार की तृष्णा के लिए। तो संसार की मारक तृष्णा को खत्म करने के लिए सत्संग का तीक्ष्ण साधन अति आवश्यक है। संसार की तृष्णा उस शस्त्र से नष्ट हो जाती है, लेकिन सत्संग को बनाना तो चाहिए ना ऐसा तीक्ष्ण साधन। लोग तो टाइम पास करते हैं, तो फिर हमको भी बहुत मूड नहीं बनता है, तो हम नहीं बोलते, जाओ नहीं करनी है कथा। कोई बहुत प्रेमी लोग मिल जाते हैं, मुझे जहाँ लगता है कि ना यहाँ दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई ज़्यादा पैसों की गड़बड़ होने की जो कोई संभावना नहीं है, हमें व्यासपीठ पर से शांति से हम बोल पाएंगे, हमारे पास से माइक लेकर चालू कथा में वो कोई नेता को नहीं दे देगा, ऐसा जो माहौल लगता है तो ही हम कथा देते हैं। लोग कहते हैं महारेश्वरी ने कथा छोड़ दी, ये तो आपके दृष्टिकोण है, मेरा नहीं, कर रही हूँ ना, शांति कितनी है। मुझे अगर जो शांति मिले, स्थिरता से हृदय की भाव को मैं व्यक्त कर पाऊँ और प्रेम से सामने बैठकर शांति से श्रोता सुनने वाले हो, तो मैं तो चाहूँगी कि अंतिम सांस तक मेरा ये सत्संग चालू रहे, अंतिम सांस तक। लेकिन माहौल बदलता जा रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कथाएँ नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिए, छूट कैसे सकती है कथा, कैसे छूट सकती है? प्राण छूट सकते मेरे, कथा नहीं छूट सकती, क्योंकि रोम रोम में ये चीज भरी है, मेरे रक्त में ये बह रहा है, और मुझे मेरे पिता की ओर से ये मिला है, माता की ओर से ध्यान मिला, पिता की ओर से मुझे कथा और सत्संग मिला, पूरी रामायण मेरे पिता को कंठस्थ थी, तो ये चीज कैसे निकल सकती है मेरे जहन में से? कभी नहीं निकल सकती। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। योग धारणा से धरि धैर्या हे राजन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। तो योग में जो धारणा कहा है, छठवां अंग है। धारणा मतलब एक भाव करना, तीव्र भाव। ध्यान करने के लिए किसी धारणा में मन को पिरोना, तीव्र भाव, ये धारणा। तो योग धारणा से धरि धैर्या, ज्ञान श्रवण को बनाओ चर्या। हे राजन, योग धारणा से तीव्र भाव बनाओ कृष्ण के ध्यान का आपके मन में, और 7 दिन के लिए आपकी जो प्रमुख चर्या है ये श्रवण रहेगा, ज्ञान श्रवण। कहा है, जितासनो ज्वित श्वासो, जितासनो जीत श्वासो, जीत संगो जितेन्द्रिय स्थूले भागवतो रूपे मन संधारे दिया। जितासन, सावधान,
आज लाखों की तादाद में लोग कथा सुनते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, अच्छी बात है। और किसी गलत जगह पर जाए इससे बैठ रहे, कम से कम कथा के पांडाल में तो बैठे हैं। परंतु जितासनो महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि सबसे पहले आसन को जीतो। मेरा सवाल है लोगों को कि क्या आपने आसन को जीता है? पलाठी लगाकर बैठना होता है सत्संग में। हम तो चाहते हमको कुर्सी मिले, हमको सोफा मिले। हाँ, किसी को कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बैठ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं कर दिया। लेकिन मन चाहे तब आ जाए, आगे ही बैठना है, सोफा पर ही बैठना है, और मन चाहे तब चले जाए, ऐसा दिखा करके ठीक है सब। ऐसे लोगों के लिए कथा करने में क्या सच्चे वक्ता को आनंद आएगा? परीक्षित जी को कहते कि हे राजन जितासन, सबसे पहले आप आसन को जीतो। स्थिर बैठना है पलाठी लगाकर, जीत श्वास हो, फिर श्वास को जीतना है। श्वास की गति सत्संग में साधारण हो जाती है, और काम में गति ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन सत्संग में जो बैठता है गति साधारण हो जाती है। श्वास को जीतो, श्वास की साधारण गति और श्वास के आवागमन के साथ सहजता से जो जुड़ जाता है उसका चित्त शांत हो जाता है। श्वास की गति और मन की विचलितता का गहन संबंध है दोस्तों। तो जितासन हो, जीत श्वास हो, जीत संग हो, फिर संग को जीतो, फिर इंद्रियों को, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो, और फिर आप भागवत में मन लगाओ। तो श्रोता के लिए इतनी शर्तें रखी है। अब श्रोताओं को सोचना है कैसा करना है, बताना हमारा कर्तव्य है, करना तो आपको है। आसन श्वास इंद्रिया शक्ति सब जीतो, और पाओ विरक्ति, सद्बुद्धि से मन करो स्थिरा, परमात्मा के रूप में धीरा, और हे धीर परमात्मा के रूप में मति को स्थिर करो, और श्रवण में चित्त को स्थिर करो। आगे बढ़ते हैं सुखदेव जी, ईश्वर के विराट रूप की पहले तो बात करते हैं, अवतार की कथा में, सगुण की कथा में बाद में ले जाते हैं, पहले ईश्वर के विराट रूप की बात करते हैं। सर्वात्मने नमः कहि ध्यावो। विराट रूप को कैसे ध्यान करना है उसका? सर्वात्मने, हे सर्वात्मने। दोस्तों मैं बोलती हूँ जब सर्वात्मने नमः, तब लोग कहते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सभी मनुष्यों में जो बैठे हैं वो ही सर्वात्मा, सर्व की आत्मा। कृष्ण का नाम भी सर्वात्मा है, जगदम्बा का नाम भी एक सर्वात्मा है, शिव का नाम भी सर्वात्मा है, और उस विराट को भी सर्वात्मा, जो सर्व की आत्मा है। वो चली जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्वात्मने नमः कहि ध्यावो। कीर्तन हरि का प्रेम से गाओ, दृश्य जगत प्रभु का स्थूल रूप है, दृश्य जगत प्रभु का स्थूल रूप है, सर्वात्मा तेहि सूक्ष्म स्वरूप है, सर्वात्मा तेहि सूक्ष्म स्वरूप है। दृश्य जगत जो है वो ईश्वर का स्थूल रूप है, जो कुछ भी हम देखते हैं। बहुत सरल बनाकर चौपाइयों में मैंने बताने की कोशिश की दोस्तों, थोड़ा आप लक्ष्य देना, आनंद आएगा। दृश्य जो आंखों से दिखाई देता है जितनी भी चीजें, वो ईश्वर का स्थूल स्वरूप है, और सर्वात्मा उस सर्व में जो आत्मरूप बैठा है वह ईश्वर का सूक्ष्म स्वरूप है। क्षितिज अगन गगन समीरा, प्रकृति महत तत्वावृत शरीरा। क्षिति जल पावन गगन समीर, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, फिर प्रकृति और महत तत्व से ये शरीर आवृत है।
अष्टधा प्रकृति कही है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रेम से करो धारणा। हे राजन, प्रथम तो प्रेम से धारणा करो उस परमात्मा की, उस विषय में दृढ़ रूप से चित्त को पिरो। प्रथम प्रेम से करो धारणा, सगुण रूप इष्ट स्थापो मना। और राजन, सगुण स्वरूप में भगवान का जो सगुण स्वरूप है अथवा आपका जो इष्ट है उसमें चित्त को स्थिर करो। सगुण रूप इष्ट स्थापो मना। इष्ट का अर्थ क्या है दोस्तों? हम बहुत बोलते, लोग बोलते इष्ट देव इष्ट देव इष्ट देव, तो लोग कहते हम जो मानते वो इष्ट देव है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सरल है। इष्ट का अर्थ है प्रिय। इष्ट का अर्थ है प्रिय। प्रिय देव जो आपके है उसकी धारणा करो, उसके स्वरूप का मन में ध्यान करो, उसमें आपके चित्त को स्थिर करो, आपके विचारों को इधर उधर नहीं जाने देते हुए उसी स्वरूप में स्थिर करो। तो महाराज परीक्षित का इष्ट कौन है? स्वाभाविक है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने ही बचाया है। जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब भगवान कृष्ण अपने योग शक्ति से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को रक्षित कर देते हैं और माता को भी बचा लेते हैं। तो परिरक्षित इति परीक्षित, जिसके द्वारा रक्षित हुआ विशेष रूप से वो ही परीक्षित, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। कोई कोई महात्मा ऐसा भी कहते हैं कि परीक्षित जहाँ देखता था ना सबकी परीक्षा करता रहता था कि ये तो नहीं है जिसने मेरी रक्षा की, ये तो नहीं है इसने मेरी रक्षा की, ये तो नहीं है जिसने मेरी रक्षा की, वो ढूंढता रहता था। और अंत में जो बड़ा हुआ तो उसको पता चल गया कि कृष्ण तो हमारे प्रिय देव है, कृष्ण ही हमारे इष्ट देव है। मतलब यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, आप भगवान श्री कृष्ण का हृदय में स्थिर भाव से ध्यान करो और उसमें उस स्वरूप में इष्ट स्वरूप में स्थापना करो। आपके हृदय में विभु विराट विश्वात्म को ध्याओ, निर्गुण भाव या सगुण को गाओ। अगर सगुण में भाव नहीं लगता है तो विराट विश्व में विश्वात्म भाव से उसको धारणा, उसको ध्याओ, उसका ध्यान धरो। और निर्गुण भाव या सगुण को गाओ, और निर्गुण भाव से गाओ। सगुण में श्रद्धा है तो सगुण को गाओ। देव विराट दृश्य नहीं दृष्टा। ये जो विराट देव है, विराट स्वरूप है जो परमात्मा का, वो दृश्य भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं है। वो दृश्य भी नहीं है और देखने वाला भी नहीं है। सगुण अगुण वह विश्व के सृष्टा, वह सगुण भी है अगुण भी है और इस विश्व के सृष्टा है। मन वासना नष्ट हो जावे, ध्यान से भक्त परम पद पावे। मन की वासना जब नष्ट हो जाती है तब ध्यान से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। ध्यान पर सुखदेव जी ने कितना जोर दिया है, द्वितीय स्कंद खोलकर ध्यान से पढ़ना आप लोग। काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप तो 14 साल की थी तब तो कथा करती थी, फिर ये ध्यान में कहाँ से पढ़ गई? अरे पढ़ने गई है, उठ गई, पढ़े तो आप हो कि इसमें न उसमें न भेदभाव में न संप्रदायों में न, मैं तो उठ गई, ऊपर उठी मैं तो। दोस्तों ध्यान की महिमा बहुत गाई है भागवत में। भागवत की भाषा ही समाधि भाषा है, हमारे विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। समाधि भाषा है ग्रंथ की, तो सुनते सुनते समाधि लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। देव विराट दृश्य नहीं दृष्टा, वह महान विराट रूप है, वो तो साक्षी भाव से सबसे पर ही है, वो दृष्टा नहीं है। तो आप में मन, आपके मन में अगर निर्गुण का भाव आता है तो निर्गुण को ध्याओ, सगुण का भाव आता है तो सगुण रूप का ध्यान करो। ये तो विश्व के सृष्टा है, परमात्मा तो जगत के सर्जनहार है। दोस्तों योगी प्राण को उर्ध उठावे, भेदन चक्र करी हरि ध्यावे। मन वासना नष्ट हो जावे, मन की वासना जब नष्ट हो जाती है तब ध्यान से भक्त परम पद पावे। मन की वासना जब नष्ट हो जाती है तब ध्यान से भक्त, मतलब ध्याने भक्त परम पद को प्राप्त करता है। और योगी योग मार्ग से यम नियम आसन इत्यादि के द्वारा प्राण को ऊर्ध्व उठावे, प्राणों को ऊपर उठाता है, चक्र भेदन करता है, जैसे मूलाधार चक्र है।
स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार तक प्राणों को ऊपर उठाता है। भेदन चक्र करी हरि ध्यावे, चक्र भेद करता है और इस तरह से हरि का ध्यान करके मुक्ति में प्रवेश करता है। मोरे मत केवल भक्ति से। अब विषय पर आ रहे हैं धीरे धीरे सुखदेव जी, लेकिन हे राजन, केवल भक्ति से भी मनुष्य संसार के पार उतर सकते हैं। और मैं मेरा मत भी देती हूँ कि मोरे मत केवल भक्ति से, भवसागर तरो प्रेम शक्ति से। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम हो आपका तो सहजता से भवसागर के पार हो जाओगे। कृष्ण कथा जे हृदय नहीं भाई, बड़ी प्यारी बात है, सावधान होकर सुनना। कृष्ण कथा जे हृदय नहीं भाई, ते लोहार की धोंकने की नाई। जिसको कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती है, वो आदमी जो सांस भले ले रहा हो, भले जिंदा हो, लेकिन लोहार की धोंकनी की तरह है, हांफ रहा है, बस हांफ रहा है और कुछ भी नहीं। उसे हम नहीं कह सकते हैं मनुष्य, ये तो लोहार की धोंकनी जैसा है। घास फूस और पैड बबुल से जीत लोग जो प्रेम न राम से। इस दुनिया में हजारों प्रकार के लोग अलग अलग रूप से जीते हैं, परंतु जिसको राम से प्रेम नहीं है, ये घास फूस और बबुल के पेड़ की तरह है। कंठ काक जो कृष्ण का कथा नहीं सुनता है, कथा गुणगान गाता नहीं है, कृष्ण का गुणगान नहीं जो करता है कंठ से, उसका कंठ काक के समान है, कौवे के समान है। कान बील से, कान से जिसको हरि कथा अच्छी नहीं लगती है, उसके कान सांप के घर के समान है, बिल के समान है। नेत्र वृथा नहीं स्नेह श्याम से, श्याम से जिसका स्नेह नहीं है, उसके नेत्र वृथा है। उसको आंखें दी न दी भगवान ने, उसकी आंखों का कोई मतलब नहीं जो भगवान का दर्शन पाकर प्रसन्न नहीं हुआ। खैर, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे पावन सर्वज्ञ मुनीवर, हे पावन सर्वज्ञ मुनीवर, कहो विविध लीला जो नटवर, सृष्टि पालन लय है कैसे, कहो विविध रूप प्रभु हो जैसे। परीक्षित जी कहते, महाराज हे पावन सर्वज्ञ मुनिवर, आप तो परम पावन है, सर्वज्ञ है, मेरे मन की बात को आप अच्छी तरह समझ पाते हैं, मेरी कक्षा क्या है ये भी आप समझते हैं। वक्ता को पता चल जाता है कि लोगों की कक्षा क्या है, किस अवस्था में है, कहाँ तक पहुँचा है, आप तो सब जानते हैं। कहूँ विविध लीला जो नटवर, नटवर की विविध लीलाएँ जो है श्री कृष्ण की, मैं ये सुनना चाहता हूँ प्रभु। और विशेष सृष्टि पालन लय कैसे है, इस जगत की उत्पत्ति उसका पालन और लय कैसे होता है ये भी बताओ। कहूँ विविध रूप प्रभु हो जैसे, और भगवान ने विविध रूप धारण किए, ये विविध रूप कैसे थे और ये विविध रूप क्यों धारण किए ये भी बताइए। कृष्ण स्मरण से आरंभ किन्ना, दिव्य वचन भक्ति रस भीना। बड़ी प्यारी चौपाई, भक्ति रस भीना। कृष्ण स्मरण से सुखदेव जी ने आरंभ किया, दिव्य वचनों का भक्ति रस से तर बतर है, भक्ति रस भीना। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि सावधान होकर सुनिए, नारद ने अस प्रश्न किया था, नारद ने ऐसे ही प्रश्न उठाए थे, ब्रह्मा ने समाधान दिया था, तो ब्रह्मा ने समाधान दिया था, पांडव नंदन प्रेम से सुनो, हे पांडव नंदन प्रेम से सुनिए, उत्पत्ति स्थिति लय को वर्णव। मैं उत्पत्ति जगत की, स्थिति और लय, जगत का उत्पन्न होना, उसकी स्थिति रहना और लय हो जाना, इसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। साध्य सिद्धि साधक अरु साधन, एक रूप सब प्रभु आराधन। बहुत बड़ी बात बताई है आपने जो राजन, सगुण पर सत्संग करने को कहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि प्रभु के आराधन में साध्य सिद्धि साधक अरु साधना सब आ जाता है।
साध्य जिसे साधना है, सिद्धि जो प्राप्त हो गया साधना था वो, फिर साधक साधना करने वाला, और साधन यानी जिस जिन जिन साधनों का उपयोग किया गया जो पाना था उसके लिए, ये सब एक रूप, सब प्रभु आराधन। प्रभु का आराधन करो, साधन सिद्धि साध्य सब हो गया। कितनी सरल बात है। इतनी सरलता होने पर भी जो मनुष्य परमात्मा में मन न जोड़े तो भाग फूट गया उसका। मैं तो ये कहूंगी सर्वरूप दृष्टा अविकारी, वह परमात्मा तो सर्वरूप, सर्वरूप दृष्टा मतलब साक्षी रहकर सब देखने वाला, अविकारी नारायण, और फिर भी सब कुछ करने वाला है। ते सोचा अनेक रूप लय। अब सृष्टि कैसे हुई ये बता रहा है, बता रहे हैं सुखदेव जी। ते सोचा अनेक रूप लय, तो ऐसे नारायण ने सोचा कि मुझे एक में से अनेक रूप धारण करना है। वेद में भी कहा है कि एकाकी न रमते, अकेले अकेले भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है तो हमको कहाँ से लगेगा। तो जो बंदा जैसा होता है ऐसा ग्रुप इकट्ठा कर लेता है। तो सोचा नारायण ने कि मुझे एक में से एको हम बहुश्याम, एक में से अनेक बनना है। ते ही सोचा अनेक रूप लयो, निज इच्छा से लीला करूं मैं, अनेक रूप धारण करके मेरी इच्छा के अनुसार मैं लीला करूंगा। माया पति ने काल अरु कर्म से चाहा सृष्टि स्वभाव के गुण से, माया पति ने काल कर्म और स्वभाव, सृष्टि का स्वभाव ये त्रिगुण को धारण किया। कर्म से महत्तत्व पुनः निपजा, त्रिगुण काल कर्म और स्वभाव इस त्रिगुण को धारण किया परमात्मा ने, फिर कर्म से महत्तत्व को जन्म हुआ, महत् जन्म दिया। तो कर्म से महत्तत्व जन्मा, रज अरु सत्व विकार तह सिर्जा, महत्तत्व से रज और सत्व इस विकार का जन्म हुआ, उसका सर्जन हुआ। तासे ज्ञान क्रिया अरु द्रव्या, उससे फिर ज्ञान क्रिया और द्रव्य उत्पन्न हुआ। रूप तमोगुण अहम भया भव्या, फिर तमोगुण प्रकट भया, फिर अहंकार प्रकट भया। वैकारिक तेजस अरु तामस, वैकारिक तेजस अरु तामस बहु उलझावे मानुष का मानस, मनुष्य का मानस ये वैकारिक तेजस और तामस बहुत उलझाते हैं मनुष्य को। आगे बढ़ते अहम पंचभूत के कारण रूप, फिर पंचभूत के कारण रूप अहंकार, तामस विकृत भयानभ स्वरूप, फिर तामस गुण से तामस में विकृति आई और तामस गुण से नभ का स्वरूप आकाश उत्पन्न हुआ। ते की तन्मात्रा गुण शब्दा, आकाश की तन्मात्रा क्या है गुण, उसका गुण क्या है तन्मात्रा का शब्दा मतलब शब्द। आकाश है तो शब्द है, आकाश नहीं है तो शब्द सुनाई नहीं देता, शब्द प्रकट नहीं होगा। दृष्टा दृश्य बोध ते लब्धा, और उसी से ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब विकारी आकाश भया तब, फिर बोले आकाश विकारी हुआ, तो आकाश जब विकारी हुआ तो क्या हुआ उत्पन्न वायु भयता से, तब उसमें से वायु, आकाश जब विकारी हुआ तब उसमें वायु की उत्पत्ति हुई, फिर क्या हुआ। तेही गुण, तेही का गुण स्पर्श है गाया, उसका गुण क्या है तो स्पर्श। जब विकारी आकाश भया तब उत्पन्न वायु भयाता से, तब काल कर्म स्वभाव से वायु, काल कर्म और स्वभाव से वायु भया विकारी तेज तब जायु, फिर वायु मन वायु में जब विकार उत्पन्न हुआ तब तेज की उत्पत्ति हुई। रूप प्रधान गुण तेज का, तेज का प्रधान गुण है रूप, शब्द स्पर्श रूप गुण भया एही का, इस तरह शब्द स्पर्श रूप गुण भया। ते विकार भया तब जल जाया, उसमें जब विकार आया तब जल की उत्पत्ति हुई। गुण रस शब्द स्पर्श रूप पाया, और जल की उत्पत्ति का से जो रस जाया उसका गुण क्या है जल का, बोले रस। गुण रस शब्द स्पर्श रूप भाया, जल विकार से पृथ्वी जाया, जल विकृत हुआ तब पृथ्वी का जन्म हुआ। गंध सहित पंच गुण को पाया,
इस तरह शब्द स्पर्श रूप रस और गंध सबकी अलग अलग तन्मात्रा बताई, सबके पांच गुण बताए। वैकारिक अहम से उपजा, अहम में जब विकार आया तब मन इंद्रिय दश देव को सिरजा, तब दश इंद्रियों के दश देव मन और इंद्रियों का उत्पन्न होना हुआ। दिशा वायु सूर्य वरुण, दिशा वायु ये सब विज्ञान है, ये समय ज्यादा मांगता है लेकिन मैं कम समय दे रही हूँ, आप समझना कोशिश करना मुझे समझने की। दिशा वायु सूर्य वरुण अग्नि अश्विनी कुमार इंद्र विष्णु मित्र प्रजापति कर्म करे ये अपार। जो हमारी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है उसके अलग अलग देव भी है, कौन कौन है कि दिशा वायु सूर्य वरुण अग्नि अश्विनी कुमार इंद्र विष्णु मित्र प्रजापति, ये सब मिलकर अपार कर्म कर रहे हैं। तो ये सब देव हम में अपार कर्म कर रहे हैं फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और मूढ़ लोग कहते हैं, बड़े बड़े गुरु जो कहलाते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि ना ना ये ऐसा ऐसा कुछ सब देव वेव कुछ नहीं होता, जो है ये पंच तत्व है। लेकिन पंच तत्व का विस्तार तो पढ़ो, कैसे पैदा हुआ और ये पंच तत्व से उसमें क्या क्या मिला और किस तरह से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। पंच तत्व अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, पंच महाभूत, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, 24 होते हैं और इसमें 25वां परमात्मा प्रवेश करता है तब जाकर हम खा सकते हैं, बोल सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, सो सकते हैं। तेजस अहम से पांच कर्मेंद्रिय, तेजस स्वरूप जो है हमारा और अहंकार, इससे पांच कर्मेंद्रिय कर्म की इंद्रिया बनी और पांच ज्ञान की इंद्रिया बनी। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में क्या फर्क है, शब्द ही बताता है। जो कर्म करती है वो कर्मेंद्रिया, और जो ज्ञान ग्रहण करती है और ज्ञान कराती है वो ज्ञानेंद्रिया। श्रोत्र नेत्र, श्रोत्र यानी कान, नेत्र यानी आँख, ग्राण यानी नाक, जीवा और त्वचा। जीवा दो काम करती है, दो इंद्रिय एक साथ है, बोलती भी और स्वाद भी ग्रहण करती है। तो श्रोत्र नेत्र ग्राण जीवा और त्वक यानी त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रिय हुई। और वाणी बोलना, हस्त यानी हाथ, चरण, गुदा और उपस्थ रिप्रोडक्टरी सिस्टम के जो अंग है उससे वे पांच कर्मेंद्रिया मानी गई है। क्रिया शक्ति रूप प्राण भी निपजे। तो परमात्मा ने पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच तन्मात्रा, मन बुद्धि चित अहंकार, ये 25 मिलाकर पुतला तो बना दिया लेकिन प्राण तो फूंकना पड़ेगा ना इसमें। तो क्रिया शक्ति रूप, इसमें क्रिया शक्ति रूप प्राण भी निभजे। प्राण परमात्मा स्वयं प्रवेश होकर क्रियान्वित करते हैं सारे मशीन को, परमात्मा स्वयं प्रवेश करके। तेई से ज्ञान रूप बुद्धि निभजे, क्रिया शक्ति रूप प्राण भी निभजे, तेई से ज्ञान रूप बुद्धि भी निभजे, उससे ज्ञान रूप बुद्धि भी निभजी प्रकट हुई। ऐसे पिंड ब्रह्मांड की रचना, ऐसे पिंड ब्रह्मांड की रचना, ऐसा ऐसे पिंड बनाकर परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, मतलब हजारों प्रकार के पिंड बनाए, असंख्य अरबों खरबों की संख्या में जो गिने नहीं जाए। तो परमात्मा ने ऐसी रचना की, ज्ञान विज्ञान युक्त यह वचना। दोस्तों यह वचन जो है ये ज्ञान और विज्ञान से युक्त है, सावधान होकर सुनिए। हे राजर्षि सुखदेव जी कहते हैं, पुरुष विराट यह सृष्टि सारी, यह सारी सृष्टि ये विराट पुरुष है। ये छोटे 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 मिलकर एक विराट रूप धारण कर लेते परमात्मा। पुरुष विराट यह सृष्टि सारी, सहस्र नेत्र भुज चरण अपारी, सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष। वेद में पुरुष सूक्त के जो श्लोक है यही समझाता है कि सहस्र नेत्र
भगवान के खाली दो नेत्र नहीं, हमारे दो नेत्र है, लेकिन सहस्र यानी असंख्य, हजार नहीं, हजारे साथ नहीं करना, सहस्र यानी असंख्य। हम जैसे तो असंख्य लोगों को बनाए, तो परमात्मा के हाथ भी असंख्य हो गए, सहस्र चरण हो गए, सहस्र नेत्र हो गए। पैर से कटे सप्त पाताला, वेद व्यास कहते हैं, सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित महाराज को, पैर से कटी तक, कमर तक सप्त पाताला, सात पाताल है। कटी से शीश सप्त स्वर्ग विशाला, और कटी से शीश तक सात स्वर्ग है। इस शरीर में ही स्वर्ग है, इस शरीर में ही पाताल है। कितनी विराट दृष्टि, और हमारा कितना विराट स्वरूप बता दिया वेद व्यास ने। लेकिन हमको शुद्र ही रहना है, ऊपर उठना ही नहीं है, तो फिर क्या करे सुखदेव, क्या करे वेद व्यास, क्या करे शास्त्र को कथने वाले। दोस्तों, अस जग का ईश्वरमय तंत्र, इस तरह से जगत का ईश्वरमय तंत्र है सर्वात्मने नमः मम मंत्र। और इसी कारण से सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा में जो बसे उसको नमस्कार, ये मैंने मंत्र दिया है। ब्रह्मा ज्ञान हरि से पाया, यह ज्ञान कहाँ से किसने पाया और यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसकी भी स्पष्टता करते हैं पुराणकार कि ब्रह्मा ज्ञान हरि से पाया, ब्रह्मा ने हरि से इस ज्ञान को पाया। इसी ज्ञान को ब्रह्मा नारद को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया, नारद ने मुनि व्यास को दिना, भगवान नारद ने भगवान वेद व्यास को दिया, ते को हरेश्वरी संक्षिप्त किन्ना। और 18,000 श्लोक में लिखे हुए भागवत को मैंने 2,000 अंदाजित गिना नहीं है, गिनती क्यों करे, गुना तो बेहिसाब किए, गिन गिन के उसका नाम लिया। अंदाजित 2,000 चौपाई छंद दोहा में मैंने अति संक्षिप्त करके लोक कल्याण हित, संस्कृत का ज्ञान जिसे न हो, वाणी हो, वाचा हो, जिसके पास प्रभावशाली ओजस्वी वाणी हो, लेकिन संस्कृत का ज्ञान न हो, इतना सारा पढ़ने का समय नहीं, और 18,000 श्लोकों को तो सरल भाषा में मैंने लोक भोग्य शैली में मैंने ये भागवत की रचना की है। काफ़ी एक बार मैंने कथाकार सम्मेलन में 500 कथाकारों को देवी भागवत, मुझ रचित, स्वयं रचित देवी भागवत और शिव पुराण दिए भी थे। सब बहुत प्रसन्न हो गए थे, सबके आशीर्वाद मिले थे, सबने कहा कि तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि संस्कृत पढ़ पढ़ कर हम थक जाते तो भी पूरा नहीं आता, तो ये हमारे लिए बहुत सरल हो गया। तो इन सब कथाकारों का जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और साधारण जन भी पढ़ सकता है अपने घर में। आगे कहते हैं अन्न विज्ञान, हे राजन अब अन्न विज्ञान को सुनिए। जग पोषण हित अन्न उपजाया, उस परमात्मा ने ये विराट सृष्टि तो रच दी, लेकिन पोषण तो करना पड़े ना, तो उसके पोषण के लिए अन्न उपजाया, अन्न को पैदा किया, विविध पदार्थ मनुष्य मन भाया, और मनुष्य के मन को अच्छा लगे ऐसे विविध पदार्थ भी बनाया। घन पदार्थ से मांस मन विष्टा, ध्यान से सुनना दोस्तों, घन पदार्थ जो हम सॉलिड पदार्थ खाते हैं उससे क्या बनता है, उससे हमारे शरीर में मांस स्थूल भाग, उसके मध्यम भाग से मांस बनता है, सूक्ष्म भाग से मन बनता है, और स्थूल भाग जो है ये विष्ठा बनकर शरीर में से बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना, घन पदार्थ जो आप खाते उसके सूक्ष्म भाग में से मन बनता है। मन आपका हिंसक ना बने, मन गड़बड़ ना करे, मन आपको भटकाए नहीं, इसलिए आप जो घन पदार्थ खाने में लो ये सात्विक होना चाहिए। मैंने कहीं लिखा है कि मुर्गी भी तो माँ होती है, सोच समझ ले जरा, दया माया ममता नहीं जिसमें, उससे असुर भला। लोग मुर्गा खाने के लिए जाते हैं, अन्न उपलब्ध नहीं होता तो जहाँ बात अलग है उसकी, वो संस्कृति की बात अलग है, लेकिन हमको तो अन्न उपलब्ध है, और नॉनवेज कहाँ सस्ता है, कोई सस्ता नहीं है। पता नहीं माँ के हाथ का अच्छा खासा भोजन अच्छा नहीं लगता है और रात में मुर्गा खाने जाता है,
मुर्गी भी तो माँ होती है, वो भी माँ है, चिकन खाता है तो माँ ढूंढती होगी उसके बच्चों को कि कहाँ गए मेरे बच्चे। सोच समझ लीजिए रहा, थोड़ा तो समझ थोड़ा तो सोच। दया माया ममता नहीं, जिसमें दया नहीं माया नहीं ममता वो मानव नहीं, इससे तो असुर भला राक्षस भला जो है वो सब ऐसा बाहर तो आता है कि हाँ राक्षस है, ये तो इंसान के रूप में राक्षस पहचाने कैसे कौन राक्षस और कौन इंसान, परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। तो सावधान, जो भी आप खाते हो उसके सूक्ष्म भाग में से मन बनता है, और जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। तो ध्यान रखना आप लोग, भोजन में सात्विक होना चाहिए। स्निग्ध से मज्जा अस्थिवाक चेष्टा, स्निग्ध पदार्थ जो आप खाते हो, स्निग्ध जैसे क्या कहते हैं मद है घी है, स्निग्ध से मज्जा अस्थि वाक चेष्टा, तो घी जैसे पदार्थों से क्या होता है सूक्ष्म भाग जो उसका होता है उससे वाणी बनती है। मुझे पसंद है दूध पसंद है घी पसंद है, आप कहोगे इसलिए गोल गोल है ना, इसलिए गोल गोल नहीं है, कसरत का अभाव है, समय नहीं मिलता है, मेरा बहाना भी हो सकता है, सॉरी। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, स्निग्ध से मांस स्निग्ध से मज्जा आस्थिवक चेष्टा, स्निग्ध पदार्थ से मद है घी है ऐसे इससे वाणी बनती है, इसके सूक्ष्म भाग में से वाणी, मध्यम भाग में से बोन मेरो बनते हैं हड्डियां भी बनती है, और स्थूल भाग उसका होता है उसमें से अस्थियां बनती है। मज्जा तो मध्यम भाग से मज्जा बनती है, सूक्ष्म भाग से वाणी बनती है, और स्थूल भाग से अस्थि हड्डियां बनती है। आगे कहते हैं जल से प्राण रक्त और मूत्र, जल पदार्थ जो है प्रवाही पदार्थ जो हम लेते हैं पेय पदार्थ, जल से प्राण सूक्ष्म भाग से प्राण पुष्ट होते हैं, मध्यम से रक्त और स्थूल भाग मूत्र बनकर शरीर में से निकल जाता है। पोषण लीला दिव्य विचित्रा, ये जो पोषण लीला है भगवान की वो अत्यंत दिव्य है विचित्र है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये खाने से ये बनता है, ये खाने से ये बनता है, ये खाने से ये बनता है। साइंस पूरा पढ़ लिया लेकिन हम उसे जो पूछेंगे कि घन पदार्थ से क्या क्या बनता है शरीर में, जल पदार्थ से क्या क्या बनता है, स्निग्ध पदार्थ से क्या क्या बनता है, जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से कभी देखा ही नहीं था कि भोजन से मन बनता है तो मन शुद्ध होता है तो कर्म भी शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम भी अच्छा होता है, ये कभी सोचा ही नहीं है। इसलिए मैं भी विस्तार से लेती हूँ, ज्यादातर कथाकार भी ओमिट कर जाते हैं इन चीजों को, नंद घेरा आनंद भयो सीधे शुरू हो जाते, ठीक है मुझे भी अच्छा लगता है ये सब, ऐसा नहीं नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये भी अच्छा लगता है तो ये जरूरी है। ये सारी चीजें मनुष्य को विचार करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुने नृपराज धन्य अति भयो, नृपराज परीक्षित ये सब सुनकर अति धन्य बन गया, शुक जी ज्ञान सारमय दयो, समझ में आ गया कि शुक जी सार रूप ज्ञान को दे रहे हैं। काल विभाजन करी समझाया, देव मनुष्य आयुष्य बताया, फिर काल विभाजन करके बताया कि देवों का आयुष्य कितना है मनुष्य का आयुष्य कितना है, समय का विभाजन किया, अति सूक्ष्म क्षण है परमाणु, अति सूक्ष्म क्षण समय का विभाजन किया कि अति सूक्ष्म क्षण है परमाणु, द्विपरमाणु समान एक अणु, दो परमाणु के समान एक अणु होता है, तीन अणु से एक त्रस रेणु, तीन अणु से एक त्रस रेणु बनता है, तीन त्रस रेणु से एक त्रुटि जानु, तीन त्रस रेणु से एक त्रुटि बनती है, शत त्रुटि से चतुर्वेद बनत है, ऐसी सौ त्रुटि जब होती है तब एक चतुर्विद बनता है, चतुर्वेद बनता है, त्रिवेद से एक लव मान थे ऐसे त्रिवेद से एक लव बनता है, तीन लव से एक निमिष बनता है। आगे कहते त्रिनिमिष एक क्षण गावा, त्रिनिमिष को त्रिनिमिष से एक क्षण बनता है, पांच क्षणों की काष्ठा होते हैं, पांच क्षणों से एक काष्ठा बनते,
15 काष्ठा लघु बनत है, ऐसे 15 काष्ठा से एक लघु बनता है। 15 लघु एक नाड़ी का, 15 लघु से एक नाड़ी का बनती है। द्विनाड़ी का मुहूर्त ऋषि का, और द्विनाड़ी से एक मुहूर्त बनता है चौघड़िया, हम जिसे कहते हैं ना शुभ लाभ अमृत, तो ये बनता है। त्रिमुहूर्त एक प्रहर कहते हैं, त्रिमुहूर्त से एक प्रहर बनता है। 8 प्रहर दिन रात होते हैं, ऐसे 8 प्रहर से दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात एक पक्षा, एक मास के द्विविपक्षा, 15 दिन की 15 दिन रात एक पक्षा, 15 दिन और 15 रात से एक पक्ष बनता है। एक मास के द्विपक्षा और एक मास द्विपक्षों से होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसे कहते हैं। 6 महीने से अयन बनत है, 6 मास का एक अयन बनता है। अयन युगल एक बरस होते हैं, 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। एक वर्ष देवन एक दिन्ना, एक वर्ष देवताओं का एक दिवस होता है। बरु जीव सर्व समय आधीना, कितना भी लंबा आयु हो, लेकिन अंत में सुखदेव जी बड़ी प्यारी बात करते हैं कि बरु जीव सर्व समय आधीना, सर्व जीव समय के अधीन है, समय के अधीन है। आगे कहते हैं चैतन्य ब्रह्म विश्व सम्राटा, एक ही समयातीत है, हाँ, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म विश्व सम्राट, विश्व का जो सम्राट है वो परमात्मा, समयातीत महान विराटा, ये समय के पार है, समय के पार और महान है, विराट है। सर्वदेव ते ही आधीना, सर्वदेव उसके आधीन है। अज हरि रुद्र नहीं स्वाधीना, इवन रुद्र और अज भी स्वाधीन नहीं है उस विराट, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वात्मा है, उसके आधीन है। ते धरे रूप विविध अवतारा, और वही विविध रूप धारण करके विविध अवतार लेते हैं, पापों को हर लेते हैं और अज्ञान का भार पृथ्वी पर से दूर करते हैं। प्यारे दोस्तों, बंधुओं, माताओं, अब बाकी की कथा बाद में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।